ये हो जाएगा कलर ठीक है लेकिन। तो फिलहाल गाइज मैं ये टी शर्ट ट्राई करने के लिए लेके आया हूँ, देखो इसको पहनता हूँ कैसी लगती है। और यहाँ पे तो कुछ रखने की जगह भी नहीं है। और अभी फिलहाल ये टी शर्ट है जो मैं अभी ट्रायल रूम में अभी ट्राई करने के लिए आया हूँ, तो इसको मैं पहन के देखता हूँ कौन सी टी शर्ट अच्छी। और काफी अच्छी टी शर्ट है, शर्ट भी मिल रही है, शर्ट भी लेंगे अभी। तो पहली देखा इस देख सकते हो, पहले मैंने ये वाली ट्राई करी है और इस पर काफी अच्छा लग रहा हूँ। अभी एक बार मैडम को दिखा देता हूँ। और बैक साइड से गाइस देखो तो इस तरीके से है, तो मैडम को तो एक वाकई में पसंद आ गई एक बार में। अब दूसरी ट्राई कर, तो दूसरी गाइस ये देखो कैसी लग रही है। ठीक है, बनियान है जो अंदर से दिखती है तो बेकार लगती है, पर बनियान अगर ढक जाए तो अच्छी दिखती है। और थोड़े दिनों से एक्सरसाइज वगैरह जब कर रहा हूँ तो थोड़ा फिट फाट आ रही है टी शर्ट, तो मुझे तो ठीक ही लग रही है। एक बार और गाइज ये ब्लू वाली टी शर्ट मैं ट्राई करने के लिए जा रहा हूँ। और यहाँ पर रखने का ना काफी ज्यादा ताम झाम, पहले से बहुत सारी टी शर्ट पड़ी हुई है, समझ में नहीं आ रहा कहाँ पे रखूँ, पर जैसे जैसे करके रख दे रहा हूँ। तो पहले गाइज तो ये देखो गाइज, ये ब्लू और ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन है, बीच में पोलो लिखा हुआ है, ये भी अच्छा लग रहा है। इसको भी एक बार मैडम को दिखा देता हूँ। यहाँ के जितने भी कपड़े थे गाइज मैंने सारे बाहर कर दिए हैं, और अभी इसको इधर रखता हूँ। ये सारे कपड़े ट्राई करने, और ये देखो मैडम ने कितने सारे टी शर्ट दी है। तो फटाफट से एक एक करके सारे कपड़े को ट्राई करता हूँ। गाइस ये ब्लू कलर का हाफ टी शर्ट है, ये कैसी लग रही है बाकी आप देख सकते हो, मुझे तो ठीक ठाक लग रही है पर मैं ये लूंगा नहीं, मुझे अच्छी नहीं लग रही। पर गाइस ये भी ब्लू कलर की टी शर्ट है और इस पे लिखा हुआ है फास्टर, मूविंग फास्टर, और बिल्कुल उसी तरह फिटिंग फाटिंग उसी की तरह है, बस ये थोड़ा सा प्रिंट आउट है यहाँ पर कुछ अलग डिफरेंट टाइप का लिखा हुआ है। ये मेहरून कलर की है पर फिटिंग भी ठीक है, पर ये मेरे को बहुत ज्यादा टाइट हो रही है। ये येलो भी कह सकते हो, वैसे मुझे ये मैंगो टाइप का नजर आ रहा है, ये भी मुझे ठीक लग रही है, अच्छी खासी है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पता नहीं क्या लिखा हुआ है, अर्बन ब्रांड। सो गाइस ये देखो ये है कौन सा कलर है मुझे खुद नहीं पता, पर ये टी शर्ट मुझे बहुत ज्यादा पसंद होती है, मेरे पास ऐसी कलर की टी शर्ट पहले भी थी और वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई, वहां पर हेडफोन का निशान बना हुआ था। और ये जीन्स पे, इस टाइप की जीन्स होती है ना उस पे काफी ज्यादा शूट करती है टी शर्ट, तो ये तो मेरे को काफी अच्छी लग रही है, फिटिंग पार्ट है मतलब मीडियम साइज है ना तो अच्छी लग रही है। यही लास्ट वन टी शर्ट है, बाकी अब जितनी भी टी शर्ट थी मैंने पहन के ट्राई कर ली है। सो गाइस टी शर्ट तो मैंने सारी ट्राई कर ली है, अब ये एक मैडम ने शर्ट दी है फुल बाजू की शर्ट है और इसको भी ट्राई करनी है, तो चलो एक बार इसको भी कर लेता हूँ। सो गाइस ये देख सकते हो शर्ट भी ठीक ही है, पर थोड़ा सा ना मुझे यहाँ से भींचा हुआ लग रहा है, पता नहीं मेरी बैक बढ़ गई है क्या, लेकिन फिटिंग की हुई लग रही है शर्ट। कलर ठीक है पर मेरे को मतलब कंफर्ट फील नहीं हो रहा इसमें। सो गाइस मैंने जितनी टी शर्ट थी वो सारी ट्राई कर ली जो मुझे पसंद थी, मतलब कौन सा कलर अच्छा लगता है वो सारी चीजें। और फिलहाल मैं खुद की जो टी शर्ट लाया था वो पहनने के लिए जा रहा हूँ। और काफी बंदे क्या करते हैं कि जब टी शर्ट खरीदने के लिए आते हैं तो पुरानी वाली टी शर्ट को यहीं पे टांग देते हैं और नई वाली टी शर्ट को पहन के निकल देते हैं, बट देख सकते हो मैं और आप तो फिलहाल चलते हैं बाहर, मिलते हैं आपसे। तो गाइज मैं एक दोबारा से देखो ये फुल बाजू की टी शर्ट लेके आया हूँ, दोनों का कलर मतलब एक जैसा ही है पर दोनों का प्रिंट अलग अलग है, तो इसको ट्राई करता हूँ। पहन तो लिया है, लग रहा है अच्छा, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं काला टाइप का दिख रहा हूँ और बाकी जीन्स यही है नॉर्मली ठीक ठाक है। सो अब गए मैं उसी कलर में दूसरी टी शर्ट ट्राई कर रहा हूँ और ये प्रिंटेड बस अलग है, कलर सेम है मतलब ठीक ठाक है, फिर भी मेरे को इसके अंदर मतलब चेस्ट वेस्ट छाती वाती बिल्कुल फिट हो रही है टी शर्ट, बट मुझे फिटिंग की टी शर्ट चाहिए नहीं क्योंकि मेरी इतनी अच्छी खासी बॉडी है ही नहीं। साइड से देखोगे तो ठीक ही है यहाँ से लेकर और ये ऊपर तक, तो फिलहाल मैं इसे लूँ कि नहीं लूँ मैडम से पूछ लेता हूँ एक बार। तो मेरी शॉपिंग तो हो गई खत्म, लेकिन यहाँ पर मैडम की शॉपिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये देखो गाइस मैडम यहाँ पर अपने लिए ड्रेस पसंद कर रही है, अब पता नहीं कौन सा पसंद कर रही है, मेरे को जो लेना था वो तो मैंने ले लिया था। ये देखो गाइस सारी चीजें मैडम की कॉम्बिनेशन की, क्या वो पसंद आया तुम्हें? ऐसा कलर तुम्हारे पास पहले से है ब्लू कलर का, याद नहीं आ रहा तुमको जिसमें बाजू फटा हुआ है? अरे जिसको बाजू यहाँ से कंधे के पास से डिजाइन बना हुआ है, तो वो तो मिंत्रा से ऑर्डर किए थे ना। अच्छा ये भी ठीक है, लाओ लाओ सब पकड़ना है गाइस। ये देखो मैडम की कलर ड्रेस, और अभी देखो कितनी लेंगी अभी कुछ पता नहीं है, ये सब कलर एक ही है। हाँ कलर भी एक, डिजाइन भी एक जैसा लग रहा है। ला इधर तो इस उंगली में फंसा दो, इसे भी पकड़ना है क्या? ये जैकेट ऊपर से है ना, लाओ भाई तो ज्यादा ही हो गया अभी भी, और कितना पकड़ना होगा। देखो मेरा अंडरवियर इधर से उधर गिर रहा है, इसको पकड़ने के लिए हाथ से ये एक और, आप घर पे इसका लगा सकते हैं।
20,000 तो देंगे, 8,000 से एक्स्ट्रा लग रहे हैं। शूट कर रहे तुम भाई, पीला है ना येलो येलो, फिटिंग भी कराना पड़ेगा ना। अच्छा तो भाई साहब, मैडम की शॉपिंग हुई ख़त्म, मेरी भी शॉपिंग हुई ख़त्म, और अभी हम जा रहे हैं खाने के लिए। मैडम को बहुत जोर की भूख लगी है, तो इधर एक रेस्टोरेंट है, पता नहीं कौन सा रेस्टोरेंट है, चूरावाल्स, तो इसके अंदर जा रहे हैं, देख रहे हैं। इडली उडली मैडम खाएगी, तो मैडम के साथ साथ मैं भी खा लूँगा, बहुत जोर की भूख लग रही है। कैसे समोसा बड़ा व्हाइट वाला, बड़ा बड़ा 25 और 24, तुम्हें एक में पेट भर जाएगा तुम्हारा है? तो गाइस ये देखो, ये पीला है और ये क्या है, उजला है, इसको क्या बोलते हैं वैसे? इसके अंदर कुछ है, क्या डाला क्या है? कैसा मीठा है, एकदम मस्त। तो दोस्तों मैं भी खा के देखता हूँ कैसा है ये, खाओ ना। नहीं ले ले, मैं मीठा ज्यादा नहीं खाता। अरे नहीं, ये ले, इसके अंदर बादाम है। तो गाइस ज़्यादा कुछ मैंने खाया नहीं, 20 रुपये का एक समोसा था, और कचौड़ी थी वो 18 रुपये की थी, काफ़ी महंगी थी। तो मैंने ज़्यादा कुछ खाया नहीं, ना मैडम ने कुछ खाया, एक एक मिठाई हम दोनों खा लिए हैं, और कुछ अच्छी और भरपेट चीज़ खाने के लिए अभी आगे जाएंगे, और यहाँ से कुछ देर पैदल चलना पड़ेगा ना अभी। और बाकी गाइस रोड का नज़ारा देखो कैसा है, ट्रैफिक मतलब अभी ना के बराबर है। और बीबी, जो कुछ दिन पहले दंगा वंगा हुआ था वो इसी रोड पे हुआ था क्या? हाँ, तो जो कुछ दिन पहले दंगे वंगे हुए थे गाइस, वो पता नहीं क्या मैटर को लेकर दंगा वंगा हो गया था, तो इसी रोड पर हुआ था और इसके आगे वाले रोड पर हुआ था। और बाकी ये कौन सा मंदिर है, ये एक काली मंदिर है, काली मंदिर है। बाकी मैं सामने से दिखाता हूँ आपको, अच्छा लग रहा है दूर से देखने में भी। ये देखो थोड़ा सामने से मैं आपको नजदीक से दिखा रहा हूँ, काफी अच्छा मंदिर है, और ये एंट्री गेट है शायद यहाँ से, है ना। भगवान में हनुमान जी की मूर्ति बहुत सारी है, इसके अंदर शिव जी की मूर्ति है, काली माता का मंदिर है गाइस। खैर रोड पे चलते टाइम रोड पर ध्यान सामने की तरफ ध्यान देना चाहिए, तो अभी करता हूँ मैं ब्लॉग को बंद और आगे चलते हैं। मेरे पीछे गाइस वो देखोगे तो जैसे दिल्ली का यूनिवर्सिटी है, वैसे ये जहाँ से मैं जा रहा हूँ ये रांची यूनिवर्सिटी है। 150 रुपये का एक पौवा, 150 रुपये एक पौ, 15, 60, 600 रुपये किलो। पका लो, इसका क्या बनता है? ऐसे ही खाते हैं इसको, बहुत फायदा वाला चीज है, एक रुपये के लिए खाए कभी नहीं बचे, तो ले रहे देखो क्या है। सतालू, सतालू तो तुम खाओ। मैं पहले नहीं खाऊंगी, पहले ने भी नहीं खाई हो? नहीं खाई हो? मैं भी नहीं खाऊंगी। कैसे किलो है ये? कैसे है ये, कैसे किलो आंटी? 60 रुपये। मैं कभी नहीं, ये कभी खाई नहीं, खा लो देखो कैसा लगता है। ये पता नहीं कौन सा फ्रूट्स है, मुझे खुद नहीं मालूम, पर ये 80 रुपये किलो था, और यहाँ पर काफी ज्यादा फेमस है ये फ्रूट्स, तो मैंने बस ऐसी आंटी से मांग लिया टेस्ट करने के लिए, क्योंकि मैंने कभी अपने जीवन में ऐसा फ्रूट तो खाया नहीं था, और शायद ये झारखंड का काफी फेमस फ्रूट है। टेस्ट में ये नाशपाती की जैसा टेस्ट आ रहा है, लेकिन नाशपाती थोड़ा मीठा होता है, ये मीठा नहीं है, थोड़ा सा खट्टा है। अनुपम, ये पोस्ट ऑफिस है ना बगल में, पहली बार आया था ना मैं इस पोस्ट ऑफिस में गया था, और इसके बगल में पता नहीं कौन सी बिल्डिंग है, शायद यही पोस्ट ऑफिस है।